शेर हैं हमारे नेता, इसमें कोई दो राय है क्या? थोड़ा देर में सरकार बन सकती है आपकी, निकलते हैं तब बताते हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पे आरजेडी विधायक दल की मीटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है परेड कराने की तैयारी में है। वो ये चाह रहा है कि राजभवन जाकर के सारे विधायकों को परेड कराया जाए, इसलिए कि सबसे बड़ी वो पार्टी है। इस वक्त कई सारे विधायक जो है वो 10 सर्कुलर रोड से निकल करके 5 देश छात्र मार्ग पहुंचे। देखिए उसमें से एक यूसुफ सलाउद्दीन है, आरजेडी के बहुत ही स्मार्ट विधायकों में इनका शुमार होता है, खुद गाड़ी चला करके आए हैं। क्या लग रहा है, आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं क्या, ऐसी बातें चल रही हैं? देखिए अभी इस पे क्या कमेंट करेंगे, अभी तो हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, जो भी आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी का जो भी फैसला होगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। अचानक ऐसा हो गया, आप लोगों का अंदाजा था पहले से कि नीतीश जी भाग जाएंगे फिर से? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, तो मीडिया में बातें चल रही हैं। लेकिन जितने भी विधायक आरजेडी कोटे के मंत्री थे उनकी जो काम काज है उस पर नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया अभी 2 घंटा पहले। अच्छा कुछ देर और इंतजार कर लीजिए, हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं। मीटिंग परेड की तैयारी हो रही है, ऐसी बातें आ रही है लालू जी राजभवन ले जाएंगे आप सब लोगों को, सारे विधायकों को। अच्छा चलिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं, पहले मीटिंग में जा रहे हैं। आपके विधायक कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, मतलब तेजस्वी यादव और लालू यादव जिंदा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। नहीं, शेर है हमारे नेता, इसमें कोई दो राय है क्या? खुद से गाड़ी चला के आए, बहुत सिक्योरिटी नहीं है और चर्चाएं आपकी भी बहुत होती रहती है। चलिए बस थोड़ा देर में निकलते हैं, सरकार बन सकती है आपकी, निकलते हैं तब बताते हैं। तो ये थे हमारे साथ यूसुफ सलाउद्दीन जो आरजेडी के विधायक हैं और इनका कहना है कि देखिए टाइगर जिंदा है और तेजस्वी यादव शेर हैं, लालू यादव शेर हैं। जो हालात राजनीति के तौर पर सामने आया वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो साइलेंट फैसला है, उनका साइलेंट निर्णय है, उसकी वजह से आया और वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, मीटिंग में क्या कुछ रणनीति तय होगी। हालांकि जो तेजस्वी यादव की आवास पर मीटिंग चल रही है वहां पर जितने भी विधायक हैं उनके सारे फोन रखवा लिए गए हैं और ये नजारा देखिए कि किस तरह से जो 5 देश रत्न मार्ग है तेजस्वी यादव का सरकारी आवास, वहां पे भीड़ लगी हुई है और जितने भी नेता हैं उनके वो सब यहां पहुंचे और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव खास तौर से इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं और रणनीति यही बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार ने जो सियासी पाला बदला है उसकी वजह से जो हंगामा खड़ा हुआ है उसमें किस तरह से बदलाव लाया जाए। लालू यादव को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जा रहा है लेकिन लोगों की निगाह जो है वो तेजस्वी यादव पर है, लालू यादव पर है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या होगा। जो 10 सर्कुलर रोड है, एक अन्य मार्ग है, 5 देश मार्ग है, वहां पर सियासी हंगामा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसला लेने से। हालांकि उन्होंने जबान से कुछ भी नहीं बोला, अब तक नहीं बोला है और नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है कि वो कुछ भी फैसला लेते हैं उनके करीबी नेताओं को भी पता नहीं होता है और जो अगला 24 घंटा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी राजभवन जा सकते हैं और इससे पहले आरजेडी ये तैयारी कर रही है कि सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधिकारिक तौर पर ये निर्णय ले लेते हैं, फैसला लेते हैं कि गठबंधन से हम अलग हो रहे हैं, तो दावा पेश करने का अगर मसला होगा तो लालू प्रसाद यादव सारे विधायकों को ले जाकर के राजभवन परेड करा सकते हैं। तो जो राजनीति है वो पूरी तरह से हलचल है, गरमाई हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निगाह है और उनके नेता कह रहे हैं।